आज अपनी अपनी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। एजेंसीज का काम एक पूरे पुख्ता तरीके से अपनी जांच के आधार पर, अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर होता है। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, गलत नहीं निकलने वाला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्याय अपना काम करेगा। आज केवल राजनीतिक आधार पर हमने सब देखा है, चाहे ईडी का मामला हो, इनकम टैक्स का मामला हो, आप घर में जांच मिल रही है और वहाँ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो इस बात को किस बात कहा जाएगा कि क्या ईडी किसी प्रभाव में काम कर रही है या इनकम टैक्स प्रभाव में काम कर रहा है, या निष्पक्ष रूप से काम करते हुए भी कई चीजों को निकालने काम कर रहा है। चीज ये अब तक राजनीतिक आधार पर जिनको संरक्षण मिला था और राजस्थान को लूटने में लगे हुए थे, अब कहीं एजेंसीज ने निष्पक्ष होकर काम शुरू किया, इस कारण से सारी चीज हो रही है, इसी कारण इतना सारा हल्ला गुल्ला मचा हुआ। सर, वो निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा रहे, वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे, करे चुनाव से ठीक पहले ये सब क्यों दिखा? अरे भाई, करना ही था तो 2 साल पहले कर लेते। एजेंसीज का अपना उनकी अंकों सीधे, जब उनकी जांच का काम प्रक्रिया पूरी होगी, उनका पूरा आधार बनेगा, तभी कार्रवाई करते हैं। वो चुनाव कब है और कौन नहीं है, इसके आधार पर नहीं करते कार्रवाई, क्योंकि बाकायदा चुनाव महत्वपूर्ण नहीं, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। नहीं अरुण जी, तो अभी 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 याद होगा क्या, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी के घर के पहले जब भाई के यहाँ किया था, तो 2 साल पहले चुनाव नहीं थे कोई। इससे पहले कुछ एजेंसी के ऊपर कुछ कांग्रेस के लोगों पर कार्रवाई की, उसमें कोई चुनाव नहीं थे उसमें। नियमित अंतराल पर अरुण जी, नियमित अंतराल पर एक्शन दिखता है, जाहिर तौर पर हम भी दिखाते हैं खबरों में, लेकिन जो कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, जो टॉप लीडरशिप है, वो यही कह रही है कि चुनाव में हार रहे हैं इसलिए टारगेट कर रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है, हाथ में कुछ लगता नहीं है इनके छापे में। आप हार और जीत का निर्णय तो होगा 3 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी जी। अभी कांग्रेस इस बारे में बहुत ज्यादा जवाब स्वप्न में नहीं रहे, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तो केवल इतना होगा, एजेंसी अपना काम कर रही है और एजेंसी के पास जो तथ्य है उसके आधार पर, और अगर आपने किसी प्रकार की गलती नहीं की है जी, कोई किसी बात की कमी नहीं है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आज आपको अवसर पूरा मिलेगा, उसी लेके आते हैं कोर्ट पर, एजेंसी के सामने भी अपने तथ्यों को रखें, रखने बाद काम होते हैं। इसी राजस्थान में 5 साल से जिस प्रकार से तांडव किया है कांग्रेस ने, चाहे एसीबी के नाम से या पुलिस के नाम से, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का, तड़पाने का, बाद में हम भी कोर्टों में गए और कोर्टों में ही उनके ऊपर रिलीफ लेकर के आए, इसलिए कांग्रेस को परेशान नहीं होना चाहिए। आज एजेंसी काम कर रही है अपने लॉ एजेंसी के सामने और लॉ कोर्ट के सामने अपने तथ्यों को रखें, अगर किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है तो निश्चित रूप से निकल करके आएंगे। अरुण जी, 2-3 चीजें मैं क्लियर कर दूं, अभी डोटासरा साहब कनेक्ट थे जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उदय लाल आंजना जी कनेक्ट थे, वो लोग बस एक बबार बार बार रिपीट कर रहे थे, किरोड़ी लाल मीणा सही 2-4 नाम ले रहे थे, कह रहे थे ये लोग जाते हैं दिल्ली में, वहां से फोन करवाते हैं, ईडी इनकम टैक्स पहुंच जाती है। दूसरा उन्होंने कहा कि राठौर साहब जो है आपके, राठौर साहब से लेकर तमाम बड़े लीडर्स ऐसे जो खुद बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये कोई भीख मांग के नहीं खाते हैं, इनके यहाँ पर क्यों नहीं ईडी पहुंचती है? उनके पास कोई तथ्य भी उजागर करें ना, आज किसी प्रकार के तथ्य तो आप लेके जाइए ना, आपके तथ्यों को आज राजस्थान में रीट की परीक्षा में अगर आपका मंत्री स्तर का व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसके घर से पैसे निकलते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। आपका आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा जाता है और उसके यहाँ से तथ्य निकल करके आते हैं, वो कैसे बना इस बात की चीज निकल करके आती है, इसमें भाजपा का कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं है। आपके पास भी सारी चीजें थी, एसीबी के माध्यम से उन सब पे कार्रवाई कर देते तो निश्चित होते। मुख्यमंत्री जी तो दूसरा काम कर रहे थे, जब सारा मामला आया तो उन्होंने जांच एजेंसी के कर लिए कहा, इसमें कोई भी अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। जब एजेंसी काम कर रही है तो आपको मुख्यमंत्री जो खुद गृह मंत्री भी हैं, अपने एजेंसी से ऊपर जाकर के क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में केंद्रीय एजेंसी के पास जो तथ्य थे उस तथ्य के आधार पर उन्होंने इन सबको सर्वेलेंस भी लिया, सर्वेलेंस के आधार पर जो कुछ इनके पास जानकारी होगी उस जानकारी के आधार पर हम करें, इसका जवाब भी देते हैं डोटासरा जी देते हैं, रंधावा जी देते हैं। आपने राजस्थान में 19 परीक्षाएं रद्द की हैं और 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उनमें तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से जुड़ रहे हैं, लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को आपने अंधकार में डालने का काम किया, उसमें डोटासरा जी आप नहीं बोले, रंधावा जी आप नहीं बोले, ऐसे कितने लाखों विद्यार्थी हैं जो एक उम्र के उस दराज पर पहुंच गए कि अब कभी सरकारी नौकरी नहीं जा सकते, जिस माँ बाप ने सपने देखे थे, जिस बच्चे ने रात रात परीक्षा दी थी, आपकी केवल इस कहीं संलिप्तता के कारण से और आज परीक्षा रद्द हो गई, इसका कितना बड़ा खामियाजा होता तब आपके किसी के हुए नहीं कराएगी। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, प्लीज रिक्वेस्ट मेरी आपसे, आप बने।